नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लावा ऑरा वर्सेस मोटो टैब G20 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो लावा ऑरा में 8.27 इंच जबकि मोटो टैब G20 में 7.84 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि लावा ऑरा से कम है। विड्थ की बात करें तो लावा ऑरा में 4.79 इंच जबकि मोटो टैब G20 में 4.8 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो लावा ऑरा में 0.37 इंच जबकि मोटो टैब G20 में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो लावा ऑरा में 350 ग्राम जबकि मोटो टैब G20 में 305 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही टिप्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों टैब में सेम ही 8.0 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों टैब में सेम ही 800x1280 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो लावा ऑरा में 72.92% जबकि मोटो टैब G20 में 76.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों टैब में सेम ही 189 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की, जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो लावा ऑरा में एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और मोटो टैब G20 की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो लावा ऑरा में दो डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और मोटो टैब G20 की बात करें तो उसमें तीन डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो लावा ऑरा में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि दो डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और मोटो टैब G20 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। चिपसेट की बात करें तो लावा ऑरा में MediaTek और मोटो टैब G20 में MediaTek Helio P22T मिलता है। बात करें RAM की तो लावा ऑरा में 2 GB जबकि मोटो टैब G20 में 3 GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों टैब में सेम ही 32 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो लावा ऑरा में अप टू 256 GB जबकि मोटो टैब G20 में अप टू 2 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लावा ऑरा में एंड्रॉइड V10 क्यू जबकि मोटो टैब G20 में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों टैब में 5100 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही एक कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो लावा ऑरा 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें मोटो टैब G20 की तो वो 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो लावा ऑरा में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें मोटो टैब G20 की तो उसमें 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में लावा ऑरा आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें Acer 110T4 है, दूसरा Wishtail IRAW801 है, तीसरा Wishtail IRAA2 है, और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें SwipeSlate 2 है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।